अलैकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ मैंगो डिज़र्ट। तो उसके लिए मैंने ये पहले चावल लिए थे, ये एक कप मैंने चावल ले लिए हैं और इनको मैंने भिगो के रखा था आधे घंटे के लिए, 30 मिनट। तो ये अब सॉफ्ट हो गए, इनको हम अब ब्रैंड करते हैं। और ये देखें, ये हमने ब्लेंड कर लिया। अब ये मैंने 1 लीटर दूध लिया है और इसमें अब हम ये जो चावल हमने ग्राइंड किए हैं ये डाल देते हैं। 2 से 3 मिनट हमने इसको हलाना है, मिक्स करना है ताकि ये चावल जो है ना वो बैठ ना जाए नीचे। इसमें ये 1 कप मैंने चीनी ली है, ये ऐड कर देते हैं और इसको हमने पकने के लिए रख देना है 20 से 25 मिनट, जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता है। ये हमारी जो खीर बनानी है, हमने खीर की तरह ही बनना है। जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता इसको हमने पकाना है। ये देखिए गाढ़ी शुरू हो गई है होनी, अभी थोड़ा सा और ठीक करेंगे इसको 2 से 3 मिनट। ये कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें डाल जाएगा कस्टर्ड, आपको जो भी फ्लेवर पसंद है आप वो ले लें। इसको मिक्स करके हमने खीर में ऐड करना है। कस्टर्ड डालते जाते हैं और मिक्स करते जाते हैं। 2 से 3 मिनट पकाएंगे इसको ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और ये अच्छी तरह से ठीक हो जाए। अब इसको हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। अब ये ड्राई फ्रूट है, बादाम है, किशमिश है और काजू है और पिस्ता है, इसको भी डाल लेते हैं। और ये एक ड्रॉप्स हमने डालना है इसमें वनीला, आपके मैंगो है आप वो डाल लें। ये 2 मीडियम साइज के मैंने लिए हैं मैंगो, इनको रफली काट लिया। अब इसको हमने ग्राइंड करना है। ये इसको हमने ग्राइंड कर लिए, अब इसमें ऐड कर देते हैं और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करते हैं। ये मैंने क्यूब्स में काटा है, इसको भी डाल देते हैं। थोड़े से हम रख लेते हैं गार्निश के लिए, बाकी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। सर्व करते हैं इसको। इसके ऊपर गार्निश के लिए हमने थोड़े से बादाम लिए हैं। मैंगो डिजर्ट की रेसिपी रेडी है। मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।